हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है कॉपर की एक स्टिक या फिर रोट, जो भी आप कहें, एंड देन मैंने लिए हैं दो वाइब्रेशन मोटर्स। मोबाइल के अंदर से मैंने दोनों को निकाल लिया है, जो कि मोबाइल को वाइब्रेट करने के लिए हेल्प करती है। ओके, तो अगले स्टेप पे चलते हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो एल्यूमिनियम वायर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी फ्लेक्सिबल मेटल या फिर नॉन मेटल का यूज़ कर सकते हैं, और उसको आपने हेडफोन की शेप में बैंड कर लेना है। एंड देन वाइब्रेशन की मोटर के ऊपर मैं थोड़ी सी ग्लू लगा देता हूँ, और इसके बाद हमें इसको यहाँ पे चिपका देना है, थोड़ी देर सूखने देना है, और अगली स्टेप हमारी रेडी है। वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो एंड तक जरूर देखना। इसके दोनों पॉइंट्स को अंदर की तरफ रखना है। और दोस्तों अब जो दूसरी मोटर है उसको भी हमने दूसरे कोने पे यानी कि दूसरे सिरे पे चिपका देना है, कुछ इस तरीके से। और सूखने के बाद अब चलते हैं अगली स्टेप पे। मेरे पास है कॉपर वायर, ऑब्वियसली इसके ऊपर थोड़ा सा पेंट होता है, उसको रब कर लेना है, एंड सोल्डर की हेल्प से दोनों पॉइंट्स को यानी कि दोनों वायर्स को यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। इनकी लेंथ को देखते हुए आप चाहें तो इस पे टेप या ग्लू का यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे छोर तक यानी कि दूसरे सिरे तक इसको लेके आना है। मैंने बीच बीच में ग्लू का यूज़ किया है। और दोस्तों इस वायर को भी हम यहीं पे अटैच करेंगे, जो एक्स्ट्रा लेंथ है उसको कट कर लेना है। रब करने के बाद सोल्डर की हेल्प से यहाँ पे इसको अटैच कर देना है। अब बारी आती है ये जो एक्स्ट्रा वायर है, इसको भी दोनों पॉइंट्स के साथ ही हमने कनेक्ट कर लेना है सोल्डर की हेल्प से। और सूखने के बाद दोस्तों ये हो चुका है लगभग आधे से ज़्यादा कंप्लीट। अब चलते हैं हम अपनी फाइनल स्टेप पे। और यहाँ पे मेरे पास है 9 वोल्ट की एक डीसी बैटरी, ऑन ऑफ स्विच, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ग्लू की हेल्प से मैं ऑन ऑफ स्विच को चिपका दूंगा। चिपकाने के बाद दोस्तों हमने लेना है एक बैटरी कनेक्टर, जिसको यहाँ पे लगाने के बाद इसकी लेंथ ज़्यादा लंबी है वायर्स की, तो उसको कट कर लेना है और यहाँ पे इसको अटैच कर लेना है। ये बहुत ही सिंपल है, आई नो आपको ऑलरेडी पता होगा। ग्लू की हेल्प से हम इस वायर को भी फिक्स कर देते हैं, ताकि बार बार हिलने पर ये अलग ना हो। मेरे पास वाइट कलर का ये थ्रेड है, आप चाहें तो अपने किसी फेवरेट कलर को या फिर टेप को इसके ऊपर लपेट सकते हैं, ताकि ये दिखने में पहले से और भी ज़्यादा अच्छा लगे, एज यू कैन सी। तो अब बारी है इसको थोड़ा सा टेस्ट करने की। वाव, ये काफ़ी अच्छे से वाइब्रेट कर रहा है, काम कर रहा है, तो चलो इसको टेस्ट किया जाए। बैटरी को जिसपे ऑन ऑफ स्विच है, इसको मैं अपनी पॉकेट में डाल लेता हूँ ऊपर की तरफ, और इसको पहन लेता हूँ हेडफोन के जैसे, और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है इसका। लेट्स डू इट। वाओ गाइस, यू कांट बिलीव इट कि ये कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, पूरे सिर में ऊपर से वाइब्रेट कर रहा है, और जब हमें हेडेक होता है तब तो ये और भी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। क्या बात है, आप इसको घर पे बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।